शुरू करते हैं निफ्टी एनालिसिस फॉर अक्टूबर 7। कुछ चीज़ें जो सबसे पहले जान लेते हैं निफ्टी की चाल के बारे में। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी लगातार गिर रहा है। अगर आप कुछ इस तरह से देखोगे, एक बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने एक पीक बनाया है 26,200 का। उसके बाद से निफ्टी सीधा आ गया है अभी 25,000 के लेवल्स पे। 25,000 के लेवल्स जो कि पहले से इसके लिए एक रेजिस्टेंस माने जा रहे थे, अभी उस जगह पर आ गया है। तो एक साइकोलॉजिकली अगर बात करें तो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बनना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट शो करना चाहिए 25,000 के लेवल्स पर। वहीं अगर बात करें चार्ट्स के हिसाब से तो ये 25,000 का लेवल पहले यहाँ पर तोड़ा था और इसको तोड़ने के बाद में दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश की गई थी, हालांकि वो सपोर्ट ब्रेक करके इमीडिएटली वहाँ से पुल अप आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये लेवल अभी इम्पोर्टेंट होने वाला है जिस लेवल पे अभी मार्केट है, यानी कि 25,000 का निफ्टी के लिए। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और डिटेल में समझते हैं कि कैसे कुछ प्लान करना चाहिए, कैसे क्या चलना चाहिए। सबसे पहली बात जो यहाँ पर समझने वाली है, दिस रेड कैंडल। ये रेड कैंडल कहीं ना कहीं एक चीज़ बता रही है कि मार्केट में थोड़े बहुत बायर्स आए एंड उसके बाद में एक प्रेशर्ड सेलिंग दिखने को मिली। वहीं अगर ऊपर से आप देखोगे तो गैप डाउन सेलिंग्स हुई है, यानी कि मार्केट खुलता है, नीचे की तरफ खुलता है और नीचे की तरफ ही रैली करता है। नीचे की तरफ खुलता है, रैली करता है, ऊपर आता है, अगले दिन नीचे की तरफ खुलता है, ऊपर आता है, फिर नीचे की तरफ रैली करता है और अपने प्रीवियस लोस को कंटिन्यूसली 3 दिन तक तोड़ता है। ठीक है, तो देर इज ए सस्पिशन कि भाई कुछ ना कुछ मार्केट कहना चाह रहा है कि देर इज ए वीकनेस। ये बात सिंपल है यहाँ पर, लेकिन एक बात यहाँ पर नोट करने वाली क्या है, ये जो 25,000 का लेवल है जो कि हर बार या फिर कहें बार बार एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है पिछले टाइम पर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से मार्केट टूटता है, यहाँ से मार्केट एक ब्रेक करता है 25,000 को, कोशिश करता है सस्टेन करने की, नीचे आ जाता है ऑल द वे डाउन टू 24,000, 23,900, फिर मार्केट दोबारा रैली करता है अपने 25,000 के लेवल के यहाँ पर आकर के रेजिस्टेंसेस दिखाता है, फिर इसको ब्रेक करता है, फिर दोबारा नीचे आता है और कहीं ना कहीं डायरेक्ट 25,000 के लेवल को एक कैंडल में तोड़ करके ये बताने की कोशिश करता है कि अब मैं नीचे जाना चाहता हूँ। लेकिन वहीं पर बायर्स अपनी एंट्री लेते हैं, दोबारा पुशअप करते हैं और अपने पिछले लेवल्स को रेजिस्टेंस दिखा करके, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन दिखा करके एक शार्प बाइंग में अपने प्रीवियस हाई को तोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं इस जगह पर अगर आप देखोगे तो बायर्स की प्रेजेंस देखी गई है। हो सकता है कि इस जगह पर दोबारा बायर्स की प्रेजेंस देखी जाए, यानी कि जो 25,000 का लेवल है, एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से दोबारा एक बाउंस बैक ले, छोटा बाउंस बैक ले या बड़ा बाउंस बैक ले, डिपेंड करता है। बट अगर बाउंस बैक लेता भी है तो सबसे बड़ा जो भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है समवेयर अराउंड 25,300। ये लेवल कोई ऐसा लेवल है जो कि जिसको तोड़ना विल नॉट बी ईजी। जबकि अगर आप देखोगे ना इस जगह पर मार्केट ने इसको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं किया है, तो ये और वल्नरेबल बन जाता है कि जब मार्केट किसी लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करता है, देर इज ए हाई चांस कि वो लेवल अब इस जगह पर आकर के अपना रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट दिखाने की कोशिश करे। अगर इस लेवल से नहीं दिखाता है, लेट से एक आपको यहाँ पर बुलिश कैंडल दिखती है और बुलिशनेस के बाद में ये वाला लेवल मार्केट अगर रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो जो नेक्स्ट लेवल होगा रेस्पेक्ट करने के लिए वो कहीं ना कहीं इस जगह पर ही दिखाई देगा, यानी कि 25,468 का। हो सकता है इस बीच में एक मार्केट साइडवेज मूवमेंट दिखाने की कोशिश करे या फिर शार्प अप्स एंड डाउन दिखाने की कोशिश करे। सबसे बड़ा लेवल हर्डल जो यहाँ पर दिखाई देता है वो दिखाई देता है 25,635 से लेकर के 25,753 का। इसके पास आकर के मार्केट जब भी आएगा ऑन ए शॉर्टर टाइम फ्रेम, आपको यहाँ से एक पुल डाउन ज़रूर दिखेगा। ठीक है, ये हमने कर ली एक ओवरऑल लेवल पे बात। ट्रेड कैसे प्लान करना है, इम्पॉर्टेंट थिंग तो आपके लिए वही होती है ना, हाउ टू प्लान ए ट्रेड। सबसे पहले साइकोलॉजिकली अगर एक सिंपल सी बात सोचते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन हो तो कैसे मूवमेंट कर सकता है। लेट से हमें कल एक गैप अप ओपन मिलता है इस जगह पर या फिर इस जगह पर कहीं पर एक गैप अप ओपन मिलता है, ये हमें सिंपली क्या बताएगा कि मार्केट में थोड़े बहुत बायर्स यहाँ पर आए हैं। फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट किस मूवमेंट में जाना चाहता है। अगर लेट से मार्केट शार्प एक कैंडल देता बाइंग की और इस जगह पर आ जाता है सीधा 25,300 पर, तो हमें कल के लिए अवॉइड करना है बाइंग को। तो एटलीस्ट आप एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं कहीं ना कहीं 25,300 या फिर 25,500 के नियर बाय, और बहुत अच्छा सेल ट्रेड आपको मिलना चाहिए वो वाला।
बाइंग के ट्रेड्स फिलहाल कब तक नहीं लेने, जब तक ये लेवल आपका ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करता, यानी कि 24,500 के नीचे की तरफ जब तक मार्केट है, आप अभी के लिए मान के चलिए कि वी आर इन ए पोजिशन टू टेक सम ट्रेड्स ऑफ सेलिंग, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हो गई। फिर अगर मान लीजिए मार्केट ओपन ही नीचे होता है तो क्या करना है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होगा, नीचे जाने की कोशिश करना चाहिए, नहीं उल्टा भी हो सकता है। क्या हो, लेट से मार्केट कल यहाँ पर ओपन हो और शुरू के ही 15 मिनट में अगर एक शार्प बाइंग दे करके ऊपर इस जगह पर क्लोज होता है तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ कल के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर आता है, इस जगह से रेजिस्टेंसेस नहीं दिखाता है या फिर कोशिश करता है ज़्यादा रेजिस्टेंस या शार्प रेजिस्टेंस दिखाने की, तो 15 मिनट पर वेट करने के बाद ही ट्रेड लेना सही होगा इस जगह पर। अगर आपको ट्रेड प्लान करना है, कुछ इस तरह से ट्रेड बन सकता है, मार्केट ऊपर आया और नीचे की तरफ शार्प एक ट्रेड आपको मिला जो कि आपको सीधा 24,692 तक लेकर के आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखने वाली बात हमेशा ये रहेगी कि मल्टीपल सपोर्ट्स के साथ में हम काम कर रहे होंगे, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस भी होंगे, लेकिन छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस को अवॉइड किया जा सकता है इस जगह पर, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।